नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषोलॉजी में। आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत को पांचवां वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्राएं के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों को ही रत्नों का आगार कहा गया है, उसी प्रकार ये महाभारत ग्रंथ भी उपदेश रत्नों की खान कहा जाता है। एकाग्र मन से जो इस महाभारत इतिहास का पाठ करता है, वह मोक्ष रूपी परम सिद्धि पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, जो मनुष्य वेदज्ञ और अनेक शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने से मढ़े हुए सींगों वाली 100 गौएं दान करता है, उसको एवं जो सदा सर्वदा महाभारत की पुण्यमयी कथा का श्रवण करता है, उसको समान ही फल मिलता है। महाभारत पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ था? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। आइए जानते हैं नंबर एक, द्रोणाचार्य का जन्म। यह तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भरद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, वेदा और बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि महर्षि भरद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय धीताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और कामनी अप्सरा को देखकर महर्षि भरद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय वीर्य को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, बल्कि दूसरे शब्दों में पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भरद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस वीर्य को एक पत्ते के दोने में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा, द्रोण यानी दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जिसे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। नंबर दो, राजतिलक और शाप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्रीकृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का शाप दिया। नंबर तीन, दो पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। नंबर चार, गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाए? आप जानते हैं, कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और कौरवों की इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था और युयुत्सु ने ही द्युत के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर पांच, श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दी।
भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेद व्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। नंबर 6। इस यात्रा का परिणाम, जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं केवल युधिष्ठिर ही थे, जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। नंबर 7। फिर हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जी जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 8। क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं? दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी। मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था। मित्रों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेद व्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वो महाभारत में घटनाओं के साक्षी रहे हैं क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वह उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती। माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती। नंबर 9। स्वर्ग और घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। दोस्तों, ये तो हुए 9 रहस्य, लेकिन इसके अलावा महाभारत में और भी कहानियां पाई जाती हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक जिंदा होने के पीछे की असली वजह? मित्रों, बहुत से लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वह आज तक जिंदा कैसे हो सकता है? मित्रों, इस तरह के तर्क वही व्यक्ति कर सकता है जिसे ईश्वर पर या उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था। और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य यह है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि के साथ होंगे, अर्थात वे इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित हैं और वे सभी 8 सिद्धियों से और दैवीय शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन यह महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्यों की तरह वह भी आज इस कलयुग में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाभारत में परमाणु बम, महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे, तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र, जो उस समय इतना विस्फोटक था, वही परमाणु बम था? क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था। ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है, हवा तेज गति से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनिक युग से महाभारत काल का समय कितना दूर था। पांचजन्य शंख क्या है दोस्तों? ये शंख एक अत्यंत दुर्लभ शंख है
श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख था, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसीलिए इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह पांचजन्य शंख आज भी मौजूद है। यह हरियाणा के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल से 15 किलोमीटर पश्चिम में और कछवा और बहलोलपुर गांव के पास पाराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से यह चोरी हो गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदिबद्री में आज भी श्री कृष्ण के शंख को सुरक्षित आ गया है। अब बात करते हैं चित्रांगदा के घर कौन पैदा हुआ था। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मणिपुर गए तो कुछ कारणवश अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। बाद में अर्जुन ने निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वह गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी, जिससे बब्रुवाहन नामक पुत्र ने जन्म लिया। बाद में वह मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने बब्रुवाहन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है, और जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्व को छोड़ा गया, तब अर्जुन उस अश्व के साथ गए थे। घूम फिरकर वो घोड़ा मणिपुर पहुंचा और मणिपुर का राजा यानी अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन और बब्रुवाहन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। उनको देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूं, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो, जिसके कारण बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है और अर्जुन वो युद्ध हार गए। बब्रुवाहन ने अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब बब्रुवाहन को अपनी मां से पता चलता है कि अर्जुन उसके पिता है, तो उसमें आत्म घृणा का अनुभव होता है और वो अर्जुन को जगाता है जो मृतक के समान पड़े थे। बाद में श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उठकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।